Ananjan Shalakya Chakshurun Militam Yena Tasme Shri Gurve Nama Vancha Kalpatru Bhesha Kripa Sindhu Bhayavcha Patitanam Pavne Bhayo Vaishnave Bhayo Namo Nama Namo Mahavadanaye Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanami Gaurat Vishe Nama Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priya He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanth Radha Kan Namosute Vrindaya Tulsi Devi Apriyaya Keshvasacha Vishnu Bhakti Parde Devi Satyavate Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Kal humne yahan pe vishram diya tha ki Gopal Mantra ke prabhav se उन्हें एक दिव्य सुख और आनंद की अनुभूति हो रही थी वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो माधव जी हैं जो प्रयाग के वो स्वयं कृष्ण ही हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था माधव जी उनके सपने के प्रकट होते कहते कि तुम्हें शिव जी और माँ ने आज्ञा दी थी वृंदावन जाओ तुम किधर रुकना नहीं तुम यहाँ से जाइए उनकी आज्ञा मानी आओ तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़ती हैं और जैसे ही वह पहुँचते हैं मथुरा तो जाके विश्राम घाट में स्नान करते हैं वागी कथा He went on to Vrindavan and there fell in heaven at the very moment यानी वृंदावन पहुँचते ही उन्हें एक दिव्य सुख अनुभूति ही फॉल बाय चैंटिंग हिज मंत्र ही सॉ इन मेडिटेशन मोस्ट ऑफ द कंपेनियन एंड सराउंडिंग फ्रॉम क्रिस्टस पास टाइम्स क्योंकि वो जब जाप करते गोपाल मंत्र का तो क्या देखते थे अपने ध्यान में कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ और उनकी लीला के साथ गोचारण करें उनके इष्ट थे गोपाल रूप ही थे तो उनका ही वो लीला के दर्शन हो रहे थे उन्हें कमेंट्री ही सॉ कृष्ण सुप्रीमली ब्यूटीफुल काउज उन्हें कृष्ण जी के सुंदर गौओं के दर्शन किए काउ हर्ड्स कदम ट्रेस यानी ग्वाले के दर्शन के कदम के पेड़ के दर्शन के अनुसार विद ऑल द फेमस आर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ अनक्वालिफाइड पीपल टू डिस्क्राइब यानी ये बड़े मशहूर है लेकिन हम लोग इसका वर्णन नहीं कर सकते ही वांडर्ड हियर एंड देयर इन दैट गौ अडोन लैंड यानी उस गौचारण भूमि में वो विचरते रहे Without meeting any people, किसी से वो मिले नहीं but at one place on the eastern side of the केशी तीरथ he heard someone crying. यानी केशी घाट जो है केशी तीरथ उसके पूर्व किया उन्हें कोई रोकता हुआ सुनाई दिया तो यानी देखिए मंत्र का प्रभाव बहुत होता है अगर इंसान कंटिन्यूस जाप करे दीर्घकाल तक करे और निरंतर नाम जप करता रहे तो वह मंत्र प्रकाशित होता ही होता है जी मंत्र जाप ना करने के कारण या बहुत कम मात्रा में करने के कारण उसका फल उन्हें दिखाई नहीं देता है अब ये देखिए ये अनपढ़ इंसान इसे कुछ पता नहीं और सब इसका मजाक उड़ाते थे लेकिन माँ ने कामाख्या देवी ने गोपाल मंत्र दिया उस मंत्र के प्रभाव से अंतकरण की शुद्धि होती गई वैष्णवों के दर्शन हुए अंतकरण और शुद्ध हुआ और उनको भगवान की दिव्य अनुभूति भी होने लगी स्फूर्तियाँ होने लगी उनको बार बार होने लगी तो ये होता है कि कंटिन्यूस नाम जप करने का प्रभाव कमेंट्री एट द होली प्लेस वे कृष्णा हैड वंस किल्ड द हॉर्स डेमन केसी The Brahman met the first human being he was to encounter in Vrindavan. जब वो केशी घाट पहुंचे जहाँ पे केशी राक्षस का वध हुआ था उन्हें पहला मनुष्य वहाँ पे ही मिला इस वृंदावन में This sacred place केशी तीरथ is described in मथुरा मातम और द विष्णु पुराण
मथुरा माता विष्णु पुराण में केशी तीर्थ का महिमा वर्णन की गई है। 100 times मोस्ट सेक्रेट देन दी गंगा ओ गॉडेस अर्थ इज दी यमुना इन माई ओन अबाउट मथुरा। तो कहते गंगा जी से 100 गुना पवित्र और श्रेष्ठ कौन है? यमुना जी मेरे धाम में। नो वन नीड डाउट, इस पर कोई शंका ना करे। मोस्ट सेक्रेट एंड मथुरा बाय 100 times इज द प्लेस ऑफ द यमुना वे द केशी डैमन फेल। यानी मथुरा से भी 100 गुना श्रेष्ठ कौन सी है? वो केशी तीर्थ है, यमुना जी के तट पे केशी घाट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे केशी राक्षस का वध हुआ था। एंड 100 times मोस्ट सेक्रेट एंड द केशी तीर्थ इज द स्पॉट नियर बाय वे कृष्णा रेस्टेड आफ्टर द डैमन वाज किल्ड। और उससे भी 100 गुना श्रेष्ठ क्या है? वो स्थान जहाँ पे कृष्णा ने विश्राम किया था किसी राक्षस का वध करने के बाद। तो ये मथुरा मातम में इसका वर्णन आता है। हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड ही हर्ड इट मिंगल विद कॉन्स्टेंट नाम संकीर्तन। तब वो उस ओर जा रहे थे जहाँ से ध्वनि आ रही थी, तो उन्हें क्या सुना कि वहाँ पे लगातार नाम कीर्तन हो रहा है। इन प्योर लव यानी प्रेम में सब नाम कीर्तन कर रहे हैं। एंड सो ही लुक फॉर द पर्सन चैंटिंग, उन्होंने ढूंढ रहे थे कौन है जो इतना सुंदर नाम कीर्तन कर रहा है। कमेंट्री फ्रॉम अ डिस्टेंस ही रिकॉग्नाइज ओनली द साउंड ऑफ क्राइंग। कहते दूर से तो उन्हें केवल रोने की आवाज़ सुनाई दी। बट एज ही अप्रोच ही हर्ड द नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड बींग स्वीटली चैंटेड वेरी ग्रेट अफेक्शन। जैसे ध्वनि के पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़े मीठे स्वर में कोई कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा है विद सिलेबस ड्रॉन आउट लॉन्ग एंड मेलोडियस, और बड़े स्वर में वो कर रहा है। बाई समन हुज हार्ट सीम कम्प्लीटली सॉफ्टन बाय लव ऑफ गॉड। और कौन जो गा रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसका हृदय कोमल हो चुका है, निर्मल हो चुका है प्रेम के कारण। ही बिकेम इंटेंट अपॉन फाइंडिंग द पर्सन चैंटिंग, उनके अंदर इच्छा कि मैं उस मनुष्य के दर्शन करूं जो इतने सुंदर ढंग से नाम कीर्तन कर रहा है। ये नाम कीर्तन करते करते जब निर्मल हो जाता है हृदय, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो उसका प्रभाव भी पड़ना शुरू होता है। ये सब नाम कीर्तन से ही संभव है, बिना नाम कीर्तन के ये चीज़ संभव नहीं है। इसलिए उन लोगों का संग मत करो जो नाम कीर्तन करने से रोकते हैं या ज़्यादा करने नहीं देते हैं और निरुत्साहित करते हैं, यानी आपको डिस्करेज करते हैं। ऐसे लोगों का संग करना अनुचित है। उन्हीं का संग करना चाहिए जो भजनानंदी है, भजन करते हैं और आपको उत्साह बढ़ाते हैं भजन करने में। क्योंकि क्या होता है, संसार के लोग सोचते हैं कि नाम जप करना कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लोगों के भाव है, घर के सदस्य समझ सकते हैं, दुनिया समझ सकती है, लेकिन शास्त्र और महाप्रभु यानी कृष्ण स्वयं मानते हैं कि नाम जप करना ही सर्वश्रेष्ठ ड्यूटी है हमारी। संसार के लोग जो मर्जी सोचे, क्योंकि उन्होंने उसका आस्वादन किया नहीं, उसका प्रभाव देखा नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं। और वो दुष्ट है, पाप लोग पापी हैं, इसलिए उनके नाम में रुचि नहीं होती, उनका दिल नहीं करता नाम जप करने के लिए। ये पाप की ही विशेषता है कि जीव को हरिनाम करने नहीं देती। कुसंग के कारण बुद्धि मलिन होती है, पाप में बुद्धि लगती है और पाप की वजह से इंसान की रुचि हरिनाम करने में कम हो जाती है। और ऐसे लोगों पर कई बार ऐश्वर्य मिल भी जाता है, काफ़ी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कली का प्रभाव है। मैं तुझे ये सब कुछ माया देती है, सब कुछ लो, इस पर उलझे रहो, लेकिन भजन मत करो। और जीव उलझता कहता बड़ी कृपा चली, बड़ी कृपा चली, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अरे भजन छूट रहा है, कहाँ पे कृपा है मुझे बताओ। नाम में रुचि कम होती जा रही है, वैराग्य कम होता जा रहा है, भोग की वृत्ति बढ़ी, कहाँ कृपा है? उल्टा ये बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन संसार के लोग यही मानते हैं कि यही सबसे बड़ी कृपा है, तो उसको खूब छला जाता है, माया के द्वारा उसको छला जाता है और वो धोखा खाता भी है।
He entered a dense dark forest where he couldn't see anyone. तो वो उस घने जंगल में चले गए जहाँ पे उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था. But he discerned the place from which this sound came, and he eagerly went there in the bank of the Yamuna. तो वो स्थान पे गए जहाँ से ध्वनि आ रही थी और उस स्थान पे यमुना जी के तट पे. Commentary: So thick was the forest that the leaves of the trees left no space for the light or the sun to enter. यानी वन वास्तव में वृंदावन वन था जहाँ पे इतने घने जंगल था कि सूरज की किरण जमीन को स्पर्श नहीं करती थी. The Brahmana saw no one but could still hear the sound of Naam Sankirtan. उसे ब्राह्मण को दिखाई नहीं दिया लेकिन नाम संकीर्तन सुनाई दे रहा. कोई ना कोई नाम संकीर्तन कर रहा है. Which to him further on, इसी कारण से वो उस नाम संकीर्तन ध्वनि की ओर चलते गए. There in the growth of the kadam trees, he found a handsome young man whose body was very tender. तो वो उस कदम के कुंज में गए तो क्या देखते है? एक बहुत सुंदर युवक है. उसका शरीर बड़ा कोमल है. विद द ड्रेस एंड अनकंपनीड बाय हर कॉर्ड. और उसके जो ग्वाले के वस्त्र पहने हैं और वो ग्वालों के साथ है, गौओं के साथ चल विचर रहा है. द पर्सन द ब्राह्मण डिस्कवर्ड वॉज ड्रेस लाइक अ कॉर्ड बॉय. कमेंट्री में क्या लिखते हैं? जिस ब्राह्मण उस ब्राह्मण जिस लड़के को देखा वो ग्वाले के वेश में था. विद अ फ्लूट बफलो हॉर्न, उसके हाथ में बांसुरी थी और सिंगी थी. एंड हर्डिंग स्टिक, और वो सोटी थी जो गौ को अधीन करने के लिए. एंड विद अ पीकॉक फेदर ऑन हिज, उसके सर को मोर मुकुटा. एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी अपीयर्ड ऑस्पिशियस, और उसका जो शरीर का हर अंग है वो मंगलकारी दिखाई देता है. Mistaking this person for a worshipable deity, और इस बंदे को उन्हें यही लगा कि ये मेरे उपासनी है. The Brahman joyfully called out, "O Gopal," and fell to the ground like a rod to offer respects. तो क्या हो गया? वो ब्राह्मण जो था उसने लगा कि ये भगवान कृष्ण है, उन्हें हे गोपाल कहा और वो उन्हें दंडवत प्रणाम करने बैठ गए. Commentary: Because the cowherd sitting before the Brahman was dressed and ornamented like Madan Gopal, क्योंकि वो जो लड़का था वो मदन गोपाल की तरह उसने वेश धारण किया था. The Brahmana thought that this was the deity in person, तो उनको लगा यही विग्रह रूप लेके मेरे सामने प्रकट हुए हैं. The Brahman wanted to offer a fitting salutation, so he at once fell flat on the ground. और ब्राह्मण को क्या उसको प्रणाम करना चाहा तो उन्होंने उसे सीधा डोंडट प्रणाम किया. And with spontaneous enthusiasm swiftly called her, "O Gopal," और उत्साह के साथ उन्होंने गोपाल पुकारा. The offering of these three syllables, Gopal, was his way of properly honoring the Lord. गोपाल, यदि इसी प्रकार से उसने वहां आदर किया. The young cowherd was the crestfallen of those who know everything. वो जो ग्वाला था वो मनियों में सर्वश्रेष्ठ था, जो सबको जानते हैं. As the Brahman regained external consciousness, the cowherd recognized him as a Mathura Brahman. तो जैसे ही उसे बाह्य ज्ञान और मूर्छा से उठे तो वो ग्वाला इन्हें पहचान गया कि ये मथुरा के वही ब्राह्मण है. Living in the district of goddess Kamakhya and worshipping Shiv Madan Gopal, जो प्राग ज्योतिषपुर गए थे कामाख्या देवी की उपासना करने के लिए, और कामाख्या देवी ने उन्हें गोपाल मंत्र दिया था जिसका वो जाप करते थे. The cowherd then came out of the grove, raised the brahmanas bowed down to him. वो ग्वाला अपने कुंड से बाहर आता है, ब्राह्मण को उठाता है, उसको प्रणाम करता है, अम्ब्रेश उसको आलिंग करता है एंड मेडम से डन उसे अपने पास बिठाते हैं. कमेंट्री: द कॉहर न्यू विदाउट बीइंग टोल्ड दैट दिस गेस्ट वाज अ ब्राह्मण. वो ग्वाला समझ गया कि ये ब्राह्मण है. वो हैड ट्रेवल्ड
to Vrindavan from a long distance. और बहुत दूरी से ये वृंदावन आए हैं. Most specifically, he knew that this Vista was the child of a Brahmin family of Mathura. और ये जानते थे कि ये कौन है, विजिटर है जो मथुरा परिवार का है, मथुरा का. वो एंड मूव टू दी कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, जो कामरूप यानी कामाख्या देवी की पूजा करने के लिए चले गए थे वहाँ पे गुवाहाटी. तो वर्शिप द प्रिसाइडिंग गॉडेस कामाख्या, कामाख्या की पूजा करने के लिए. फर्दर मोर द यंग कौहर न्यू दैट दिस ब्राह्मण वाज नाउ वर्शिपिंग द लोटस फीट ऑफ श्रीमन मदन गोपाल. आगे ये ग्वाला जानता था कि ये ब्राह्मण है, किसकी, मदन गोपाल की पूजा करे. एंड हैड कम फॉर सम स्पेशल पर्पस ऑफ द लॉर्ड, और वहाँ के कोई खास प्रयोजन के लिए ये आया है. एक्चुअली श्री राधा देवी हैड ऑर्डर्ड अ कोहर्ड टू गो टू द ग्रोव दैट मॉर्निंग. सो ही बोर डाउन टू द गेस्ट, रेज हिम फ्रॉम द ग्राउंड, एम्ब्रेसिंग एंड इनवाइटेड हिम टू सिट डाउन. तो राधा रानी ने कहा था उस ग्वाले को, आप जाना उस कुंज में से, और वो जाते हैं उसको मिलते हैं ब्राह्मण को, उसको प्रणाम करते हैं और अपने पास बिठाते हैं. तो फर्दर गेन द ब्राह्मण्स कॉन्फिडेंस, द कोहर्ड प्लेज्ड हिम विद हॉस्पिटैलिटी. उसका विश्वास जीतने के लिए उन्होंने बहुत उनका आतिथ्य स्वीकार किया बड़े अच्छे ढंग से. एंड देन स्माइल्ड एंड रिवील समथिंग अबाउट द ब्राह्मण लाइफ, और मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण के विषय में कहते, उसके जीवन के विषय में कमेंट्री. द यंग कौहर गोप कुमार ग्रेटेड हिज ब्राह्मण गेस्ट इन अ मैनर बिफिटिंग द टाइम एंड प्लेस. तो क्या है, दी गोप कुमार जो ग्वाला था उस गोप कुमार को मिला बड़े आदरपूर्वक समय और स्थान के अनुसार. एंड देन ब्रीफली रिकाउंटेड व्हाट हैड हैपन इन द ब्राह्मण लाइफ, और फिर उसके जीवन में क्या हुआ उसके बारे में सब बताया. बिगिनिंग विद द वर्शिप ऑफ द गॉडेस कामाख्या एंड लीडिंग अप टू हिज कमिंग टू द प्लेस ऑफ द शोर ऑफ द यमुना, कि कैसे तूने कामाख्या की पूजा की. तो उसकी बात तो वो बनारस गया था, बनारस से तो प्रयाग गया, और प्रयाग से तो अब सीधा मथुरा, मथुरा से वृंदावन आया. सारी बातें बताई. द कोहर्ड एक्सपर्टली रिवील्ड थिंग्स हिडन इन द ब्राह्मण हार्ट, यानी उसके हृदय में क्या, उस ग्वाले ने सब कुछ बता दिया. देन नो वन एल्स वुड हैव नोन, जो कोई नहीं बता सकता, किसी का पता भी नहीं होता था. वाई डिड ही डू ऐसा क्यों कहा, he wanted to win the brahmana's trust so that the brahmana would believe what he was about to be told, kyunki brahman ka vishwas jeetna chahte the, kyunki jo ye kehne wale hai brahman us par vishwas kare. Otherwise the brahman might be skeptical about go kumar fantastic story. ye to brahman jo tha go kumar ki katha ko leke wo sochta ki kalpana hai, vastav mein nahi hai. The Brahmana now understood that this was a young cowherd boy and accepted him as if the boy were a dear friend. The Brahmana samajh gaya ki yahi gwala hai aur usko unhe apna mitra swikar kiya. Happily trusting him, us par vishwas karte hue, the Brahmana then recounted his own entire life story. The Brahmana ne apne jeevan ki sari ghatna batayi. कमेंट्री. वैन द ब्राह्मण अंडरस्टूड एट दिस वॉज नॉट हिज वर्शिपल लॉर्ड, जब ब्राह्मण देख कर पता चला कि ये मेरे उपास्य देव नहीं हैं, बट अ कवर विद ऑल गुड क्वालिटीज, ये केवल ग्वाले हैं उनके अंदर सदगुण है. क्योंकि जीव जब भगवान का भजन करता है तो उसके अंदर सदगुण आने स्वाभाविक है, क्योंकि जिस देवता की उपासना करते हो उसके गुण, उसका रूप आपके जीव में अपने आप आ ही जाता है. उसके लिए जीव को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता. इसलिए किसी को भी सुधारना है उसको पहले कथा सुनाओ और हरिनाम करो, धीरे धीरे उसकी पूरी वृत्ति बदल जाएगी और वह सुधर जाएगा. और किसका सत्यानाश करना है उसको कथा छुड़ा दो, भजन छुड़ा दो, अपने आप कुछ दिनों में, कुछ समय में उसका पतन पूरी तरह से हो जाएगा.
commentary, when the Brahman understood that this was his not a Vatsala but a coward with all good qualities, the Brahman relaxed. तो उसे जब पता चला कि ये मेरे वो इष्ट नहीं है लेकिन एक ग्वाले हैं जिनके अंदर सारे सदगुण हैं वो शांत हो गया. Then with great humility, considering this young child of the cowherds, the best of wise men and a great saint, the Brahman submissively added an inquiry. दीनता पूर्वक ये समझते हुए कि जो यह जो जवान लड़का है ग्वाला है ये बहुत बुद्धिशाली है और बहुत बड़ा संत है, उन्होंने शरणागत होके उनसे प्रश्न किया. यानी यही तरीका है शरणागति का, संत से कुछ कभी भी कोई प्रश्न पूछना. गीता में यही कहा, कृष्ण बताते संतों के पास जाओ, कैसे जाओ, दीनतापूर्वक जाओ, उनकी सेवा करो और फिर प्रश्न करो. आप देखोगे रामचरितमानस के अंदर भी भरद्वाज जी क्या करते हैं, याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ते हैं, उनको रोकते हैं, उनकी सेवा करते हैं और फिर राम के विषय प्रश्न करते हैं. यही तरीका है. आप सीधा बोल नहीं सकते अकड़ के या अभिमान में कि मुझे इसका जवाब दो, कोई देगा नहीं. संतों से सीखने का एक ही तरीका है, पहले दैन्यता अम्बल होना, दैन्यता आना, अपने को तुच्छ मानना, हीन मानना, दूसरी चीज शरणागत होना, सेवा करना और फिर उसे प्रश्न करना. है दांत में तृण रख के बात, बाकी भाई हम्बल होना, इसका क्या मतलब, क्या हुआ मतलब, बहुत स्लो बोलना, बाकी दांत में तिनका दबा, मतलब इसके अपने को तुच्छ मानो, बाकी तिनके से भी गया गुजरा. जैसे अगर तना तो पीछे कहते हैं ना कि तृण से भी, तो उसका मतलब ही होता है कि उससे, क्योंकि घास को जब पैर पड़ते तब वो झुकता बा में अक्सीदा हो जाता है. तो भक्त हमेशा ही विनम्र रहता है, यानी हमें घास से भी ज़्यादा तुच्छ होना है, क्योंकि वो आगे चलेगा फिर घास सीधा हो जाएगा. तो कहते नहीं, वो नहीं कि एक बार चला गया संकट तो फिर आप अकड़ गए, नहीं, हमेशा आपने विनम्र रहना है. और ये गुण केवल और केवल भजन से आते हैं. The Brahmans and Brahman pushed them from various sources. I have heard of various goals and various methods to achieve them. बहुत स्थानों से मैंने बहुत से लक्ष्य सुने हैं और उनको प्राप्त करने के तरीके भी मैंने बहुत सुने हैं. But still I cannot decide what goal I should strive for and what I should do to reach. मुझे नहीं पता कि मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे वहाँ पर कैसे पहुँचना है, क्योंकि साधु संघ कभी मिला ही ना, तो कथा सुनी नहीं. तो प्रयाग में थोड़ा बहुत मिला, वो अपेस्ट के बारे में गुणगान कर रहे थे, सब भिन्न भिन्न अवतारों की पूजा करते, कोई नरसिंह की, कोई वामन की, कोई मत्स्य, कोई कोरम की पूजा. तो ये कहते हैं मेरे तो ठाकुर जी वो तो दो हाथ वाले हैं, वो तो चतुर्भुज नहीं, क्योंकि उसको स्फूर्ति होती थी मंत्र के द्वारा. तो देखो वही हरि नाम श्रेष्ठ संतों से मिलाता है, धाम में लेके जाता है और हमारी उन्नति का रास्ता स्वयं हरि नाम ही खोलता है. जीव अपने आप में न संत को मिल सकता है, ना धाम जा सकता है और ना वो उन्नति कर सकता है. आप केवल जप करते जाइए, भगवान की कृपा से रास्ते अपने आप हरि नाम बनाएगा ही बनाएगा. श्रेष्ठ संत, श्रेष्ठ ग्रंथ, इन सब की प्राप्ति नाम से होती है, हरि नाम से होती है. श्रेष्ठ संतों का मिलन और ग्रंथों का प्राप्त करना और ग्रंथों का श्रवण करना और उसको समझने की क्षमता, ये सब नाम महाराज की कृपा से होती है. और धाम में लेके जाना, भगवान की गोद में बिठाना, ये सब हरि नाम ही कराएगा. इसे रात दिन हरि नाम का सेवन करो. सबसे श्रेष्ठ कर्म है तो वह हरि नाम करना, उससे श्रेष्ठ इस त्रिलोकी के अंदर कोई कर्म नहीं है. चाहे लोग आपको एक्सेप्ट करें ना, कि जो लोग आपको मूर्ख समझें, जो भी समझें, चाहे सो कॉल महात्मा भी आपको समझे, तुम यही करते हो. लेकिन शास्त्र और महाप्रभु की वाणी है कि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है. भक्ति के 64 प्रकार में 5 अंकों श्रेष्ठ माना गया और 5 का सर्वश्रेष्ठ फल है नाम कीर्तन. क्योंकि नाम, क्योंकि भागवत पढ़ने का फल नाम में रुचि होना, साधु संग करने का फल नाम में रुचि होना, धाम वास का फल नाम में रुचि होना. विग्रह की सेवा भी तब होती है जब नाम कीर्तन होगा, नहीं तो विग्रह की सेवा जिंदगी भर करो कोई फर्क नहीं पड़ता. नाम कीर्तन से विग्रह व्यवहार करते हैं, तो सबका फल नाम ही है,
तो नाम से श्रेष्ठ कोई नहीं, यही हमारा मित्र, यही हमारा सब सर्वस्व है, इस रात दिन इसी की सेवा करनी चाहिए। इसके यही हमको सद्बुद्धि देगा, सद्विचार देगा, सद्गुण देगा और सब जगह पे यही हमको लेके जाएगा। इसलिए हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई हमारा सखा नहीं, कोई सखी नहीं, हमारे सर्वसुट हरे कृष्ण महामंत्र है, इसी का हम सेवन करेंगे रात दिन। एक क्षण के लिए भी उसको नहीं भूलेंगे। जो अपना मंगल चाहते, जो सिंसियर भक्त, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं करना चाहता मैं किसी का फोर्स नहीं कर सकता हूँ, सिंसियर लोग रात दिन इसी का सेवन करेंगे। उनके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता कि भाई मैंने 64 हो गए तो छोड़ना है, नहीं, हमको नौकरी नहीं करे, 64 हो गए छोड़ना है, समय है तो 96 करो, और है तो 128 करो, है तो 192, फिर समय तो 200-250 करो, जैसा भजन होता है करते जाओ, तब रागुनों का भक्ति में जाओगे। अगर आप छोड़ दोगे मेरा कोटा पूरा हो गया तो वैदिक भक्ति में अटक जाओगे। इधर कोटा सिस्टम नहीं, कितना करने में रुकना, इधर मिनिमम तो 64 है मिनिमम, लेकिन उसके ऊपर जितना आप अपना लक्ष्य बढ़ा सकते हो बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये नाम की कृपा से ही आज आप ये ग्रंथ सुन रहे हो, नाम की कृपा से ही आप जो भी धाम आज तक गए हैं या आगे जाएंगे वो नाम की कृपा से ही जाएंगे। जी पैसा होके भी नहीं जा सकता, टिकट आए भी कैंसिल हो जाती है, 2 साल से हम लोग मायापुर जाने टिकट कैंसिल हो रही है, 3 को वृंदावन टिकट आई फिर कैंसिल हो गए, नहीं जा सके, कोई बहाने कोई नहीं, मेन तो क्या कृपा चाहिए सब चीज़ के लिए, बगैर कृपा के नहीं जा सकता। हमने 84 को उस पर देखा, 24 घंटे पहले 10-12 लोगों के टिकट कैंसिल होते और 8-10 नए लोग आते जिनको पता नहीं उनके टिकट पर वो जाते हैं, हमने वो भी देखा। ये सब राधा रानी की कृपा पर निर्भर है, जीव के हाथ में नहीं है, कोई जीव अभिमान नहीं कर सकता कि मैं जाऊंगा और मैं कौन गया, जब तक तो वो करके वापस दिया है तब तक तो वो नहीं कह सकता मैं धाम में गया। तो कहते हैं कि मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा कि मेरा जीवन का गोल क्या है और क्या करना चाहिए, वट एवर दी गॉडेस ऑर्डर में आ रहे, मुझे जो भी माता ने कहा है गोपाल उसका जॉब करता हूँ, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट द रिजल्ट और दोस ड्यूटीज, यानी वो करने का फल क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि उसको स्फूर्ति हो रही, मदन गोपाल के दर्शन में सब कुछ हुए, लेकिन क्या है कि साधु संघ नहीं है ना, तो इसलिए वो लाभ ले नहीं पा रहा जैसे उसको लाभ लेना चाहिए, उसका लाभ ले नहीं पा रहा। इससे जीवन में पहले कथा और फिर सेकंड नाम, जीवन में सबसे पहले कथा होनी चाहिए, उसका महत्तम, उसके बारे में ज्ञान, तब जाकर आप श्रद्धा से करते रहो, लेकिन आपको पता ही नहीं क्या फल है क्या है, और दर्शन होके भी आप पूरा लाभ नहीं ले पा रहे जो मिलना चाहिए। और बट आई हैव नो आइडिया अबाउट द रिजल्ट ऑफ दोज ड्यूटीज, उन जो कर्तव्य करते हैं उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, उसका फल क्या है, और इवन वट काइंड ऑफ एक्ट्स दे आर, और वो क्रिया का फल क्या है। कमेंट्री, इफ द ब्राह्मण डिड नॉट नो वट द गोल ऑफ हिज एंडेवर वाज एंड हाउ ही माइट अचीव इट, अगर ब्राह्मण को पता नहीं उसका लक्ष्य क्या, उसे कैसे प्राप्त करना, Why was he continually chanting the mantra? कि मंत्र का जब लगातार क्यों करा था, He was doing so because respect for the order of the goddess का मैं क्या, और क्योंकि उसको माता के प्रति श्रद्धा थी, आदर के भाव थे, इसलिए वो करता, और उसको शांति आनंद भी तो मिलता था, ये तो नहीं कि नहीं मिल रहा था इस करने से। The little she had asked him to do, नेमली चैंट द मंत्रा, वॉज नॉट मच कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स ड्यूटीज ऑफ अ हाउस होल्डर। तो कहते हैं जो उसे तो यही कहा था कि मंत्र जब का, और तो कुछ नहीं कहा था, ये तो गृहस्थों की तो कितने घर के काम होते, सरदर्दी होती हैं कि वो भजन भी नहीं कर पाता है, उसको तो सिर्फ एक ही चीज़ कहा था, तो मंत्र जाप कर बस, और कुछ मत कर। तो कहते हैं एंड वॉज नॉट बस कंपेयर टू द कंप्लीट ऑफ द हाउस होल्ड एंड द सन्यासी दैट ही लर्न अबाउट फ्रॉम अदर्स। तो जैसे सन्यासी का जो कर्तव्य होता है वो कुछ होता है,
तो कहते हैं उनका और बहुत कुछ होता है, लेकिन वो तो तुम्हारे को कुछ ऐसा करते हुए दिए जा केवल मंत्र जाप करने के लिए कहा था। He continued chanting out of reverence for the goddess, not because he understood the essence of what he was doing. वो इसलिए जाप करते क्योंकि माता के प्रति आदर के भाव थे, श्रद्धा थी, इससे नहीं कि वो उसके सार को समझता ये मंत्र का फल क्या है, वो कुछ जानता नहीं था। He was even unaware whether this chanting belonged to the category of ritual duties, cultivation knowledge, उसे ये भी नहीं पता था कि ये जो मंत्र जाप कर रहा है वो क्या कर्मकांड है या उसे ज्ञान मिलेगा और डिवोशन या उसे भक्ति मिलेगी, क्या मिलेगा उसे पता ही नहीं था किसका फल क्या है। Therefore he thought since his practice was not based on definite knowledge and faith, कहते क्योंकि उसके जीवन में न ज्ञान था न पूर्ण निष्ठा थी, इट हैड नो रियल वैल्यू फॉर स्पिरिचुअल एडवाइस, इसलिए वो भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में हरिनाम सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी उसको महत्व समझना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, किस भाव में हमें भजन करना चाहिए, हमारी कमियां क्या हैं, कुछ तो हमको कथा सुननी चाहिए साधु संग, तब जाके जीव दृढ़ता से निष्ठा से जाप कर सकता है और उसे ये पता चलता है कि उसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। नहीं तो इंसान मंत्र दे दिया और उसको पता नहीं उद्देश्य के लक्ष्य क्या है, तो उसको वो नहीं भी कर पाएगा, छोड़ भी सकता है, क्योंकि ये तो कर सको कि माता पे श्रद्धा थी, लेकिन आम आदमी छोड़ देगा। हम कहते हैं कि ये करो सर्वश, लेकिन उसको तो कुछ श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसे नाम के बारे में कभी सुना नहीं किसी ने, उसका मातम क्या सुना नहीं। ये सब लोग क्या करते हैं, केवल कथा करते हैं और कथा कहते हैं, लोग बोलते हैं बाप बहुत बढ़िया कथा है और बस मैटर खत्म, घर चले जाते हैं। मैंने कुछ लोग जो कथावाचक है मेरे, जो मुझे मानते हैं, मैंने उनको कहा भी देखो आप कथा तो करते हो, लोग बोलते हैं बहुत अच्छी कथा है, ताली मारते हैं और फिर आप चले जाते हो, लेकिन क्या उनका हृदय परिवर्तित है, क्या भक्त बन पाए, कहते नहीं मैं क्यों नहीं। मैंने कहा कथा को आप नाम से रिलेट नहीं करो, उसको आप होमवर्क नहीं दे रहे हो कि घर जाके क्या करना है। कथा कभी भी नाम से जुड़नी चाहिए, कथा सुनने का फल ही नाम में रुचि होना चाहिए। जब जीव को नाम में रुचि होगी, वो घर जाके नाम जप करेगा, तब उसका जीवन परिवर्तित होएगा, वो सुधरेगा, हृदय बदलेगा। अगर ये नहीं करो तो आपका कथा एक मनोरंजन बन जाता है या कुछ पुण्य कमा सकता है वो, उसके ज़्यादा कुछ नहीं कमाएगा वो, क्योंकि आप उसको नाम से जोड़ते नहीं हो। हमारे भक्ति प्रमुख पूरे महाराज जी जो थे गोपनाथ गौड़मठ के जो आचार्य थे, वो यही बात गोदान माजी को बोलते थे कि तो जब भी और उनको कहा पहले कथा कर, कहते मुझे कुछ नहीं आता, कहते जो तो बोलेगा उसका लक्ष्य हरिनाम होना चाहिए, कथा को नाम से जोड़ना और अंत में नाम की महिमा गाना। एक्चुअली नाम की कथा ही रियल कथा होती है, जिससे नाम, क्योंकि आप कितनी मैं ऊंची कथा बोलूँ लेकिन आप में क्षमता नहीं उसको ग्रहण करने की, आपको कथा क्षमता नहीं इस कथा को ग्रहण करने की, समझने की, तो मेरा ऊंची कथा का तात्पर्य क्या है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। तो जो जो क्षमता कहां से प्राप्त होगी सुनने की, ये समझने की, ये हरि नाम से प्राप्त होगी, क्योंकि हरि नाम शुद्ध करेगा, योग्यता प्रदान करेगा कथा समझने की और ग्रहण करने के लिए। इसलिए कोई भी कथावाचक को ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जब भी वो कथा करे उसका उद्देश्य जीव से हरि नाम करवाना ही है, नाम से जोड़ के कथा करे, अरेंड नाम में करे और जीव को भी होमवर्क दे कि उसे नाम निरंतर जपने, कथा का मातम, नाम का मातम बतावे, तब जाके संसार में परिवर्तन आएगा। अन्यथा आप साल साल आओ, आप 10-10 दिन कथा करो, हर साल आके फिर भी कोई भक्ति बन रहा या कोई नाम ले रहा, ले रहे तो एक आध बार ले रहा, वो भी जप बराबर नहीं करा, क्योंकि उसको नाम के विषय में पता नहीं, मातम नहीं पता, आपको समझाया नहीं है। और केवल कह देना कि ग्रंथ पढ़ो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने आप ही ग्रंथ नहीं समझ सकता, उसको समझाना पड़ता है, आपको ग्रंथ के प्रसंग उठाने पड़ेंगे। जब ग्रंथ के प्रसंग को आप उठाओगे तब क्या होएगा, ग्रंथ के प्रसंग उठाने से उसको ग्रंथ पढ़ने की रुचि होगी और वो पढ़ेगा, उस अर्थ को सुनाएगा, तो उसका वो आस्वादन कर सकता है बाद में।
लेकिन जब गण के प्रश्न ही पढ़ेंगे, हाँ ये लिखा उस पर, ये लिखा वो वक्ता वो था, वो नहीं होता, उसने क्या बोला क्या किया ये आपको डेप्थ पे जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जो कोई करना नहीं चाहता है, या तो स्वयं ज्ञान नहीं होता, अगर ज्ञान भी तो कोई किसी को मेहनत ही करनी है, रुचि नहीं है, क्योंकि ये दया के भाव जो है ना ये भगवान की कृपा से आते हैं, उदारता दया। जो बहुत भजनशील होएगा भगवान के प्रति संशय का, उसी के अंदर दया और उदारता के भाव आएंगे, वो आपको चीज प्रदान कर सकता है, अन्यथा ये गुण अपने आप में नहीं आते। I therefore think my life worth है, इससे मैं सब मेरा जीवन व्यर्थ गया है, एंड आई सिंपली वॉन्ट टू डाई, और मैं मरना चाहता हूँ। आई कंटिन्यू टू लिव ओनली बाई दी मर्सी और लॉर्ड माधव एंड लॉर्ड शिव एनी बाय, मैं तो केवल माधव की मर्सी से ही जी रहा हूँ और शिव उनकी पत्नी की, क्योंकि माधव ने कहा था प्रयाग में जाओ वृंदावन, तुम इधर क्यों जा रहे हो, तुम शिव जी या पार्वती की बात तुमने क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं गए। कमेंट्री, इट वॉज एट प्रयाग दैट द ब्राह्मण हैड रीच द पॉइंट ऑफ क्राइसिस इन स्पिरिचुअल लाइफ। कहते ये प्रयाग ही है जहाँ पे ब्राह्मण ने ये अपने आध्यात्मिक जीवन में ये पहुंच गया था कि इसको समझने के उसके क्या करना चाहिए, क्योंकि किधर लोग कर्म काम की बात कर रहे थे, इधर ये भक्ति कर रहे थे, तो उसको समझ नहीं आ रही कि वास्तविकता क्या है, और काशी में बिनाश में तो मायावाद की फिलॉसफी चल रही थी, तो वो एकदम कंफ्यूज था कि उसे करना क्या है। देयर ऑल्सो हाउएवर ही हैड रिसीव्ड द ग्रेस ऑफ लॉर्ड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ श्री माधव, उधर भी भगवान ने सहायता की, जो सिंसियरली भजन करता है, नाम जप करता है, भगवान प्रेरणा देते हैं, या स्वयं प्रकट होके या किसी न किसी के माध्यम से आपको सहायता करेंगे। कोई आके आपको समझा रहा है वो अपने आप में, तो वो राधा रानी की कृपा से और प्रेरणा से आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप जाप करो तो आपको ऐसे बंदे मिलते हैं और जो प्रेरणा देते हैं और समझाते हैं, आपको उसका ले जाते हो। ये नहीं सुना कि आप अपने बुद्धि अपने प्रयास अपने बल से ढूंढने पे नहीं कोई चीज़ मिलती है, कृपा से मिलती, क्योंकि आपके इतने बुद्धि क्या है किसी को पहचानने की, आपकी क्षमता क्या है। मैं तो हैरान होता, लोग कहते हैं हमने गुरु को पहले परखा ढूंढा और देखा उसके अंदर वो गुण है कि नहीं। तुम गुरु को परखने वाले हो गए, तुम गुण ढूंढने वाले हो गए, किस हिसाब से तुम इतने विद्वान हो, फिर तुमको तो गुरु की जरूरत ही नहीं है। जो तुम इतने विद्वान हो कि जो गुरु को परख सकते हो और उसके गुण देख सकते हो और तुलना का सब भाग है, तो तुम तो फिर तो गुरु की जरूरत, तुम तो सभी श्रेष्ठ हो गए हो। ये केवल बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छी चीज नहीं है, ये भगवान की कृपा से मिलते हैं, सिंसियर डिवोटीज को मिलते हैं और कुछ नहीं है। इंसान अपनी बुद्धि से किसी को नहीं समझ सकता, पहचान सकता, जो मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है, ये बात याद रखना। कमेंट्री, इट वॉज एट प्रयाग दैट द ब्राह्मण हैड रीच्ड द पॉइंट, अचेत हो गया। हाँ, ओनली बाय द मर्सी हैव आई मेट यू हियर टुडे, केवल कृपा से आज मुझे आपके दर्शन, ग्वाले के दर्शन हुए। अ कंपैशनेट एंड ऑल नोइंग पर्सन, जिसके अंदर दया है, जो अंदर बाहर सब बातें जानते हैं। यू आर जस्ट लाइक माई वर्शिपेबल डीटी, आप मेरी उपास्य हो, जैसे मेरे विग्रह के मदन गोपाल, आप वैसे ही उनके साथ मिलता जुलता आपका स्वरूप है, क्योंकि भगवान के जो सखा है अंतरम भक्त होते वो भगवान से मिलते जुलते ही होते हैं, और जितने भी राधा रानी की सखियाँ आप सारी एक दूसरे शक्लें मिलते, आप ज़्यादा भेद भी नहीं कर पाओगे कि राधा रानी कौन है, ललिता कौन है, विशाखा, सभी काफ़ी कौन मिलते जुलती है, क्योंकि किसका चिंतन करती है उसके रूप और गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इससे ये इम्पॉर्टेंट, किसका चिंतन, दुष्टों का चिंतन करोगे दुष्टों के गुण और रूप आएंगे, भक्तों का चिंतन करोगे भगवान का चिंतन करोगे तो उसके गुण और रूप आपके अंदर आएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा कथा सुननी, ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने और जाप करना, ताकि भगवान के रूप और गुण हमारे जीवन में प्रवेश करें। क्योंकि जिसका दुष्ट का चिंतन, उसके अंदर कोई बीमारियाँ लगी तो बीमारी भी आपके अंदर आ जाएंगी,
आप बोलेंगे बीमारी क्यों आ रही मेरे अंदर बैठे बैठे, क्योंकि आप दुष्ट का चिंतन कर रहे हो। भगवान में कोई दोष नहीं है, परिपूर्ण, उसके चिंतन से सारे पाप सारे दोष सबको दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। फिर भी लोगों को समझ किसका चिंतन करे, अरे गीता में क्या लिखा है, भगवान क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही पढ़ के भी? यानी पाप इतने प्रबल हैं तो तुम साधु संग करो, शरणागत हो ये, और ये नहीं कि एक दिन में, वो भी कई लंबे समय तक, कई बार मैं देखा कईयों को कई साल लग जाते हैं बात समझने को कि कृष्ण की उपासना करनी है। लोग हमने देखा है साधु संग न करने से बराबर थोड़ी देर के लिए 6 महीने 1 साल साधु संग करते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर क्या होता है उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया, बाद में क्या होता है वो अन्य कर्म कांड में देवी देवताओं के चक्रों में पड़ के उनकी उपासना करते हैं, हरि भक्ति उनकी छूट जाती है और उनको जो लाभ मिलना चाहिए जो हाइस्ट वो नहीं मिलता, उससे वंचित हो जाते हैं, कोई भौतिक लाभ मिल जाता है, वो कहते हैं यही सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। क्योंकि जब उन्होंने सुनी उनकी जो मानसिक स्थिति क्या थी, उनकी बद्ध अवस्था जब उसे एक बार सुनने से अगर आपके अंदर हरिनाम जप करने की प्रेरणा हुई और आपने जप किया और आपने गुरु से हरिनाम लिया, तो एक बार सुनने से कुछ बार बार सुनते ग्रंथों को तो आपको और क्लियर होता समझ में आता है। क्योंकि पहली बार में इंसान को केवल आइडिया मिलता है इस पर क्या लिखा है, चीज 5-6 बार पढ़ने के बाद सुनने के बाद एक्चुअल समझ आती है, क्योंकि तब तक आपका हरिनाम काफ़ी हो गया होता है। तो जैसे जैसे हरिनाम बढ़ता है कथा ग्रहण करने के समझने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे पहली बार से दूसरी बार सुनते हो तो ज़्यादा अच्छी समझ आती, तीसरी बार सुनते और अच्छी, चौथी बार और अच्छी, पाँचवीं बार तो काफ़ी अच्छी समझ आनी शुरू होती है। इसका यही कारण है क्योंकि हरिनाम करते करते आपकी इंद्र शुद्ध हो रही है और साधु संग मिल रहा है, साधु के शब्द आपके हृदय के ग्रंथियों को तोड़ रहे हैं। तो कहते हैं यू आर जस्ट लाइक वे वश्य, आप मेरे उपास्य देवता की तरह हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूं और तृप्त हूं आपके दर्शन करके। नाउ प्लीज डिलीवर दिस रेचेड सॉल, मुझ मेरा उद्धार करिए। कमेंट्री एट प्रयाग, द ब्राह्मण रिसीव द मर्सी ऑफ श्री माधव विश्वेश्वर एंड कामाख्या देवी बन ओनली टू वृंदावन। तो यानी प्रयागराज में उनको ब्राह्मणों की कृपा मिली, शिवजी की कृपा मिली कामाख्या और, बट केवल उनको वृंदावन तक। कुड ही अंडरस्टैंड दी इन, बट ओनली वृंदावन कुड ही अंडरस्टैंड दी इन एस्टिमल वैल्यू ऑफ दैट मर्सी। वृंदावन आने के बाद उसको वो कृपा समझ में आई। यानी शिवजी पार्वती और जो भी आप उपासना करो उनका सब फल क्या है कि विष्णु की या मदन गोपाल की, कि आपको ब्रज के रसिक वैष्णवों से मिलाना और आपके अंदर प्रेम भक्ति का संचार कराना। कौन से भक्त? ज्ञानी कर्मिनी रसिक वैष्णव जो प्रभु के प्रेम में डूबे हुए हैं, वो रसिक होते जो प्रेम में डूबे हैं, वो आपके अंदर भक्ति का संचार करा सकते हैं। जिनसे भगवान से अपनापन है, प्रेम है, जो भगवान के लिए तड़फते हैं, विरह की अनुभूति करते हैं, ऐसे संतों से मिलाना ताकि आपको कृपा समझ में आए। यही होता है मंत्र जाप का फल और उनके दर्शनों का फल। ब्रह्मांड में भी लिखा जिस पे शिव जी कृपा करते हैं वही हरि भक्ति करता है, वही राम नाम जप कर सकता है, बगैर शिव कृपा के कोई नहीं। और कई ग्रंथों में लिखा हुआ भी है कि बगैर शिव के कृपा के कोई ब्रज में भी जा नहीं सकता, गोपेश्वर महादेव की आज्ञा के बगैर कोई भी ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी उनकी कृपा होती है। इसे कहते हैं राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनो पैसारे। तुम रखवाले हो, तेरी आज्ञा में कोई धाम में जा नहीं सकता। तुम्हारे भजन राम को पावे जम, तेरे भजन से ही राम की प्राप्ति होती है, जन्म जन्म के दुख बाकी जब
सारे दुख दर्द खत्म होता है। तो कहते हैं शिव कौन है, हनुमान जी शिव जी तो है, ये कृपा करते तभी जीव हरि नाम करते, ये कृपा करते तभी ब्रज धाम में प्रवेश होता है, इनकी कृपा बगैर ना हरि नाम होता है ना ब्रज धाम में प्रवेश होता है। नो ही कन्फाइडेड दैट गो कुमार इज एज गुड एज लॉर्ड मदन गोपाल। अभी इससे लग रहा है कि ये जो दैट गो कुमार जो जो ग्वाला मिला है वो मदन गोपाल की तरह, इन अदर वर्ड गो कुमार ट्रांसडेंटल इंस्ट्रक्शन कैन ईजली लिफ्ट हिम आउट ऑफ द ओशन ऑफ डाउट। गो कुमार जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, शिक्षा देंगे, उससे वो बाहर निकलेंगे एंड आउट ऑफ द वास्ट ओशन मटेरियल एग्जिस्टेंस संसार सागर से वो बाहर निकल आ सकते हैं। श्री परीक्षित साहब, परीक्षित जी क्या कहते हैं, रिस्पेक्टफुली हैविंग हर्ड दी ब्राह्मणस वर्ड्स, जब ब्राह्मणों के शब्दों को सुना, द यंग कोहट थॉट, इस ग्वाले ने सोचा, दिस पर्सन हैज डन एवरीथिंग ही नीड्स टू डू, यानी सब कुछ किया जो उसे करना जरूर था, इंडिया हिज लाइफ इज अ कंप्लीट सक्सेस, इसका जीवन है सार्थक है, क्योंकि उसको मदन गोपाल, भले इसे समझने वाला बात है लेकिन सक्सेस तो है, मदन गोपाल के दर्शन हुए, ब्रिज में आ गया, इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। ब्रिज में आना कोई मामूली चीज नहीं है, लोग जाते नहीं है, हमने देखा लोग टिकट निकालते हैं, मथुरा रस्ते पड़ता है, उन्हें ये भी नहीं पता कि मथुरा कहाँ उतरना है, कभी इच्छा ही नहीं हुई जाने की, लोग आगे निकल जाएंगे, जम्मू तक चलेंगे, हिमाचल चलेंगे, पंजाब जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे सब, लेकिन मथुरा, ये ब्रज में केवल और केवल राधा रानी कृपा से या संतों की कृपा से ही जीव जा सकता है, अपने प्रयास से या बल से नहीं जाता। एक बार जिसको ब्रज का रस मिल जाता है वो ब्रज छोड़ के किधर जा भी सकता, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कोई जगह स्थान है ही नहीं, सभी स्थान अच्छे लगते हैं जब तक ब्रज का रस नहीं मिलता, और वो सब भजन पर निर्भर करता है, आपके हरिनाम पर निर्भर करता है और राधा रानी की कृपा पर निर्भर करता है, वो कैसे प्रसन्न होते क्या कराती है क्या नहीं वो वही जाने। कई बार इंसान को योग्य तो होता है लेकिन जाने नहीं देती है, क्यों नहीं जाने देती, उसके विरह की वेदना को बढ़ाने के लिए, उसका चिंतन बढ़ाने के लिए, ये मत सोचना कि जीव का दुर्भाग्य होता है कि मुझे जाना था, सारी योजना बनाई लेकिन इस बार नहीं जा सका, क्यों नहीं जा, तो वो उसके अंदर इतनी ग्लानी होती है, तड़फता है, चिंतन करता है, अगर ये सब नहीं होता तो इतना चिंतन भी नहीं करता था। तो राधा रानी को पता है कि किस प्रकार उसके अंदर प्रेम बढ़ाना है, विरह के भाव बढ़ाने हैं, उसके अंदर वेदना बढ़ानी है, वो सब योजना वही बनाती है। इंसान को लगता है मेरा दुर्भाग्य है लेकिन वो दुर्भाग्य नहीं होता, क्योंकि इसका जितना तीव्र चिंतन तब होता है वो साथ जाके उसका तक चिंतन नहीं होता, तो वो भाव बना के रखने के लिए वो कई बार ऐसी अरेंजमेंट करती है। कमेंट्री द वर्ड अदर इज इनिशियली अंडरस्टूड टू मीन रिस्पेक्ट बट इट कैन ऑल्सो मीन अफेक्शन। With respect for the Brahman status as a Mathura Brahman and the special affinity for him as a fellow worshipper of Shri Madan Gopal, के एक तो ब्राह्मण, दूसरा मदन गोपाल का उपासक, गोप कुमार हर्ड हिम, गोप कुमार ने उसे मिले, तो टेक्स्ट 101-108 डिस्क्राइब्स गोप कुमार थॉटफुल कंसर्न फॉर द ब्राह्मण। अब हम जो आगे पढ़ेंगे उस पर गोप कुमार उसके बारे में काफ़ी चिंतित होते हैं, उसके बारे सोचते हैं, वो पढ़ेंगे। ऑल दैट रिमेन्स फॉर हिम इज टू अचीव इज टू सी डायरेक्ट लॉर्ड द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। कहते हैं क्या चीज़ रह गया, एक ही चीज़ बाकी रह गया, भगवान के चरण कमलों के दर्शन करना स्पष्ट, अब इसका स्फूर्ति रही स्पष्ट साक्षात दर्शन करना, बस यही चीज़ रह गई है, और भाव की अवस्था में ही स्फूर्ति होती है, प्रेम में तो प्रकट हो जाते हैं, तो हम तो भाव की स्थिति में, हम तो हमारे तो अनर्थ ही नहीं खत्म हो रहे अभी तक, तो वर्ल्डली डिजायर्स हमारे अंदर कपट है, बोलते कुछ करते कुछ है, और हम भगवान के पास अगर
प्रेम से नहीं, कामना से भी जा रहे हैं संसारिक, वो भी तो कपट है, मतलब से तो जा रहे हैं, केवल उससे प्रेम होना, वो स्थिति हमारी अभी आई नहीं है। मैं नहीं कहता सबके खो सकता, कोई आ भी जाएगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, उस स्थिति में अभी तक नहीं पहुँचे हैं जो स्थिति में हमको पहुँचना चाहिए। अगर वास्तविक अवस्था में पहुँचे, कपट रहित हो गए होते तो उसके लिए रात दिन विलाप करते थे, एक क्षण भी उसका नाम नहीं छूटता था, रात दिन रोते रहते थे, लेकिन वो स्थिति हमारी नहीं हुई, इसका मतलब वो प्रेम की अवस्था भी नहीं आई है। He needs to become attached not so much to the solitary chanting of the Lord's mantra but to the sankirtan of his name. कहते एकान जाप से केवल अटैचमेंट नहीं, इसको संकीर्तन करना पड़ेगा, यानी हरि नाम सबके समक्ष करना पड़ेगा और कीर्तन ही दूसरों को सुनाना भी पड़ेगा, कथा वगैरह से होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कथा करने से दो चीज होती है, आप अपनी कथा सुंदर श्रवण हो गया और स्मरण भी हो गया, स्मरण चिंतन भी हो गया। तो कीर्तन सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, क्योंकि इसके अंदर श्रवण और स्मरण दोनों चीज आ जाती है। जब आप किसी को सुनाते तो सुन भी तो रहे हो, फिर माइंड डिस्टर्ब कैसे होएगा, और उसके साथ साथ स्मरण भी करो, क्योंकि आप एक्स के बारे सोच के वाई के बारे में तो नहीं कह सकते, जिसके बारे में सोचोगे उसी के बारे में बोलोगे, तो आपको स्मरण भी होएगा। इसलिए ये सब अलग से स्मरण, कोई ये नहीं कहा गया कि समाज ज्यादा श्रेष्ठ है, स्मरण तो आ ही जाता है कीर्तन के अंदर, लेकिन श्रवण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सुनोगे तो बोलोगे क्या, जो सुनता है वही तो, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है, क्योंकि जो सुनी कथा उसी को रिपीट करनी है, वही कीर्तन है, और वो जो सुनेगा नहीं वो क्या बोलेगा, तो गलत मत बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। जो ध्यान से कथा सुनेगा वो ध्यान से कथा बोलेगा और सही एज इट इज पेश करेगा, उसका भी मंगल और सुनने वाले का भी मंगल होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले अच्छा श्रोता बनना, इससे कहें पहली भक्ति है संतों का सत्संग। सत्संग का मतलब आदि मध्य में केवल हरि कथा, कथा पहले सुनो, जैसे कहते श्रवणम, सेकेंड कहा गया कीर्तन, कीर्तन बाद में, स्मरण थर्ड। लेकिन कीर्तन में तो दोनों चीज आती, श्रवण और ये आता है, लेकिन श्रवण फिर भी आपको करनी ही है, आपका कथा सुननी है, ताकि आप कीर्तन को स्मरण तो फिर अपने आप आ ही जाएगा उसके अंदर भी। तो क्या लोग सुनते नहीं है बराबर, दो चार क्लास अटेंड कर ली या एक आध कोई किताब पढ़ ली, कोई ज़रा अनुभूति हुई नहीं उसको, और उसको रिपीट करते हैं तो गड़बड़ी कर जाते हैं और कई बार गलत चीज़ बोल जाती है या गलत तरीके से बोल जाते हैं। हम प्रीचर, प्रीचर आप बनो, हम ये नहीं बोलते प्रीचर मत बनो, लेकिन कम से कम कुछ तो अनुभूति लो, भजन तो कुछ साधन तो करो, कुछ तो साधु संग करो बोलने के पहले। आप 5-6 क्लास अटेंड करो, थोड़ा आइडिया मिल जाता है, इंसान समझ में प्रीचर हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ साल भजन करो, गन पढ़ो, हरि नाम करो, डिस्कशन करो, धीरे धीरे रियलाइज होती, फिर आप उसको बोल सकते हो जो जो बोलना आगे। और क्या बहुत मैच्योर्ड वे में इंसान को कथा करनी चाहिए, ये नहीं कि किसी की निंदा कर दी, कुछ कर दिया या कुछ गलत चीज बोल दिया तो उल्टा लाभ के बजाय आप लड़ाई हो जाती, नुकसान हो जाता है। तो कहते हैं संकीर्तन की बहुत ज़्यादा इसका आवश्यकता है फिलहाल अभी, तो आगे और आगे बढ़ने के लिए। When received by panchratik initiation in Vaishno Sampradaya, Vishnu Mantra deliver the chanter from the illusion and provide him liberation. तो क्या तो उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, उसको इनिशिएशन करते हैं, यानी नाम जप करने के लिए उसको इनिशिएट करना, बीच इनिशिएशन प्रेरणा देना, और उससे मुक्ति मिल जाती है। And provide him liberation and entrance into the divine life or devotional service, और उसे मुक्ति प्रदान करते हैं कि आप भक्ति में प्रवेश करिए, वे प्रवेश करिए। बट ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योर लव ऑफ गॉड इज ऑब्टेन नॉट बाय पंचरात्रि का विधि बट बाय द भागवत विधि
of Naam Sankirtan, worshipping of Krishna name without material motive. Krishna ke naam ka jap karna, uncha uncha bolna, usse kya hota hai, highest usse se prem praapt hoega. Katha karna naam ke, hum jo naam sankirtan karte hain, nagar sankirtan ne ka uska yehi taatparya hai, ki sabka udhar karna, aur sab kuch bhag ikatthe ke naam kirtan kartal ke saath karte hain naam kirtan, uska yeh ki man aapka kaise hi prabhu mein laga rahe. Ye jab uncha uncha bologe to man to lagega lagega. इसलिए कहते कि जाप, कोई लोग कहता कि जाप धीमे करो, जीभ मत हिलाओ, मुंह के अंदर करो, वो वैदिक मंत्रों के लिए हो सकता है, लेकिन नाम कीर्तन जितना ऊंचा किया जाएगा वो अपना उद्धार करता है, सबका उद्धार करता ही है, पेड़ पौधों का सबका उद्धार करेगा, कीड़े मकोड़े मक्खी कीड़े कॉकरोच जो चीज होंगे सबका, जिसके नाम पर पड़ेगा सबका उद्धार करेगा. ये बात नाम कीर्तन में वैदिक मंत्रों पर होती है, क्योंकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण और बहुत सही होना चाहिए और स्वर भी सही होने चाहिए, और वो कलयुग के जीव में नॉलेज ना होने के ज़्यादा संस्कृत की वो नहीं कर सकते हैं. इसलिए उसको नाम कहा कि नाम करो और कुछ मत करो, क्योंकि नाम तो कैसे भी है जो मंगलकारी होता ही होता है. और वो भी नाम कीर्तन क्यों करना, स्वार्थ रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करना है, न कि अपने भौतिक इच्छाओं के लिए. देखिए साधु संघ नाम जप करते गए धीरे धीरे वो स्थिति आ जाती है, आप आर्टिफिशियली निष्काम नहीं बन सकते. कभी कभी कुछ सकाम भाव भी रहते तो प्रभु की इच्छा से क्यों, जैसे शत्रुपा और मनु के अंदर सकाम भाव थे, उसका परिणाम क्या हो गया, राम जी उनके पुत्र बने. अगर लंबे समय हरिनाम करने का निष्कामता नहीं आ रही, सकाम भाव है तो कोई बात नहीं, अगर पुत्र में आ सकती है आ सकती तो राम को पुत्र बना लो, कृष्ण को पुत्र बना लो, राधा रानी को पुत्री बना लो, उसको अपनी बहू बना लो, क्या फर्क पड़ता है. तो यानी हर चीज प्रभु से जोड़ो, वो सकामता भी आपका सार्थक हो जाता है अगर ईश्वर से अगर हम उसको जोड़ लेते हैं तो. अभी यह दशा तो ही कह कि मेरी आसक्ति नहीं खत्म हुई तो क्या करूं, मुझे पुत्र की आवश्यकता है तो राम को पुत्र बना लो, कितना सार्थक हो गया. खूब आसक्ति करो अपने पुत्र राम में, आसक्ति है पुत्र में तो जीवन सार्थक हो ही गया. तो मतलब क्या है कि भगवान में कैसे कोई भी नाते से आप आसक्ति करो, काम ना करो, क्योंकि संसार से तो धोखे मिलेगा. अगर आसक्ति नहीं खत्म हो रही, वही आसक्ति प्रभु से जोड़ दो और कहो कि वही चीज़ तो मेरे से कर, वो नाता जोड़ लो. कई लोग पुत्री मानते हैं राधा रानी को, जैसे बरसाने के और नंदगांव के उनका अपना जॉय मानते हैं, वो भी एक नाता है, और नंदगांव के लोग उसको अपनी बहू मानते हैं, और ये तो अपने भाव होते हैं. तो जैसा जिसके भाव होते हैं वो हिसाब से करें, समझे ना. तो ये तो हृदय के सबके भाव अलग अलग है, सबकी स्थिति अलग अलग. फिलहाल आप आपको अभी दास मानो और भजन करो, ये चीज़ अपने आप प्रकाशित होंगी. फिलहाल हम आप आपको अभी दास माने और भजन करें, अपने आप प्रकाशित होंगी, अपने आप हमको मार्गदर्शन मिलेगा, कोई ना कोई संत इस प्रकार के मिल जाएंगे जो हमें उठा के उनकी गोद में बैठाए, नाम ही पिलाएगा, नाम कराएगा. मुझे ये नहीं पता कैसे होगा, जो होना नाम की कृपा से होना. गुरुवर प्रकट हो जाएंगे, किस रूप में होंगे हमें नहीं पता, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो गुरुवर हमको गाइड करेंगे. बस आप नाम के प्रति सिंसियरिटी दिखाओ. तो हाँ, दीप प्राग ज्योतिष पर ब्राह्मण हैड बीन चैंटिंग द 10th सिलेबल गोपाल मंत्र फॉर सम टाइम विद गुड अफेक्ट, बट ओनली आफ्टर ही हर्ड शुद्ध नाम फ्रॉम गोप कुमार वॉज ही एबल टू चैंट द सेम नेम्स और लॉर्ड गोपाल इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ संकीर्तन. तो कहते गोपाल मंत्र का तो जप करा था, लेकिन गोप कुमार से मिलने कर उसको नाम कीर्तन किया और तब वो भगवान को मिल पाए. तो यदि गोपाल मंत्र से भी श्रेष्ठ, क्योंकि गोपाल मंत्र तो ऊंचा नहीं बोल सकते, वो तो आपको तो वैदिक मंत्र है, लेकिन नाम कीर्तन उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि तभी भगवान का साक्षात्कार हुआ. क्योंकि मैंने कहा ना, मंत्र मोक्ष देते हैं,
नाम प्रेम देता है, ये प्रमाण है कि उसको परिवर्तित किया गया नाम, गोपाल नाम कीर्तन पिलाए आप उसका भगवान के प्रेम हो, क्योंकि भगवान प्रेम से मिलते हैं और प्रेम नाम संकीर्तन से आता है। इसलिए महाप्रभु ने हमको हाईएस्ट चीज प्रदान की, सीधा नाम संकीर्तन दिया है। हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन करिए, जाप करिए, आपको हाईएस्ट चीज प्राप्त हो जाएगी। और उन्होंने हमें कोई दूसरा मंत्र नहीं दिया इसके अलावा, ये हाईएस्ट चीज प्रदान की है। ऑफेंसलेस संकीर्तन विद कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन नेचर डेवलप इंटू स्पॉनर अट्रैक्शन टू कृष्णा यानी लविंग सर्वे बिगर अपराध के, यानी नाम के बल पे अपराध करना, नाम की महिमा सुन के भी नाम कीर्तन नहीं करना वो भी अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की अवज्ञा कैसे, गुरु ने कहा है कि अब माला करो तो तुम माला नहीं करते, गुरु की आज्ञा का अवज्ञा तो करो, गुरु की इंसल्ट तो करो। गुरु ने ये नहीं कहा तुम किसी के दोष देखो, गुरु ने कहा तुम किसी की निंदा करो, गुरु ने कहा तुमको मारी नाम कीर्तन और कथा श्रवण करने के लिए कहा और कोई दूसरा आदेश दिया, लेकिन तुम वो दो काम छोड़ के सब कुछ किया है। तो तुम भले कहलाते रहो हम गुरु भक्त है, गुरु भक्त है, कोई भी गुरु भक्ति जो गुरु की आज्ञा का पालन ना करे, गुरु वही बोलते हैं जो महाप्रभु बोलते हैं। महाप्रभु कहते हैं एक लाख हरी नाम करो, प्रभुपाद जी कहते हैं एक लाख हरी नाम करो, तो क्या हमारे गुरु क्या उनके विरुद्ध बात करेंगे? फिर लोग कहते हैं हमें तो बोला नहीं करने के लिए, हम तो कम आ रहे, हमने क्यों करे? अरे क्या गुरु क्या आपके क्या प्रभुपाद के विरुद्ध जाएंगे, क्या महाप्रभु के विरुद्ध जाएंगे? एक कॉमन सेंस लाओ यार, क्या तुम बोल रहे हो? गुरु वही बोलेंगे जो महाप्रभु ने बोला, जो प्रभुपाद जी ने बोला, जो हमारे परम गुरु वही हमारे गुरु बोलेंगे, उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते। तुमने नहीं समझा वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने समझ नहीं किया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक तो हम कहते हैं गुरु जी टेप रिकॉर्डर है, तो हमारे परम गुरु जी वही बोलते हैं, प्रभुपाद जी एक लाख बोलते हैं, हमारे परम गुरु जी एक लाख, तो हमारे गुरु जी कैसे बोलेंगे? तो मत करो तुम, एक तरफ एक ऐसे भाषा बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमको बोला नहीं हम क्यों करें। तो यानी तुम कहना क्या चाहते हो कि गुरु क्या प्रभुपाद के या परम गुरु आपके गुरु के या महाप्रभु के अगेंस्ट बोल रहे हैं? यानी जीव किस प्रकार भटकाता है, ना खुद भजन करना है ना दूसरे को करने देना है, इस प्रकार वो जीव भटकाते एक दूसरे को और रोकता है। और ऐसे लोग मैंने देखा है बहुत शीघ्र और इनसे वाइट कपड़े में आ जाते हैं, गृहस्थी बन जाते, उनका पतन भी होता है। हमने देखा है ऐसे लोगों को जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। Certainly, no means of perfection is superior to the worship of Shri Madan Gopal's lotus feet. यानी नाम कीर्तन के अलावा कोई भी चीज नहीं है जो पूर्णता प्राप्त करते आपको दे सके भगवान मदन गोपाल को प्राप्त करने के, उससे श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। No means of perfection is superior to the worship श्रीमान प्रभु लोटस फीट। ये नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्रभु को प्राप्त, यही महाप्रभु हमको देना है। हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम करो, यही सर्वश्रेष्ठ है। ऊंचा बोलो, धीमा बोलो, करो, नाम की महिमा गाओ, वही असली हरि कथा है। हमने सारी हरि कथा कही लेकिन नाम जप करने के नहीं कहा, तो टोटल टाइम वेस्ट है किस्म से। मैंने केवल एक मनोरंजन किया है, क्योंकि आप सबका नाम जप भी करवाया तो व्यास गद्दी बैठा बेकार है, क्योंकि नाम जप से ही तो सबका मंगल होना है। कथा तो भूल जाएंगे, उसके अर्थ भी कई लोग समझ नहीं पाएंगे। आप अच्छी डीप फिलोसफी बोल सकते हो, बोले क्या क्या कथा की, लेकिन नाम कीर्तन नहीं कराए तो सब बेकार है। उसका उद्धार कैसे, उसका तो उद्धार नाम से होगा, क्योंकि वो जड़ बुद्धि है, उसे नाम जप कराओ कैसे भी कराओ। जीव का उद्धार होना तो केवल नाम से होना है। कलयुग का समय चल रहा है भैया, ये नाम जप से ही मंगल होना है। ज़्यादा कथा किसी को समझ में नहीं आनी, ना किसी को फिलोसफी समझ में आनी, इसके चक्र में ज़्यादा मत पड़ो, नाम पे जोर दो, नाम जप करो और निकल जाओ। भाई कथा ध्यान से सुनोगे तो आपका ध्यान कुछ लीला पे पड़ा रहेगा, तो आपका जाप अच्छा रहेगा। कहते ना कि ध्यान लगाओ, कैसे ध्यान लगाओ? जब कथा ध्यान से सुनोगे तो कुछ समय तो दिमाग में रहेगा, एक आध दिन तो रहेगा। रोज कथा सुनोगे, धीरे धीरे घर में पढ़ोगे, तब तो ध्यान लगेगा आस्ता आस्ता। कथा ही नहीं हम ध्यान से सुनते, अंदर बाहर होते हैं, बाहर ये वो सब, हम कहते हैं जी कथा चालू है, आप करते रहो, मैं अंदर बाहर हो, ये तो आप कथा अपने आपको धोखा दे रहे हो। जो भी अंदर बाहर होता है कथा नहीं सुनता है, कथा के समय मेरी वो कथा का महत्व नहीं दे रहा है, और कथा के समय
यानी कोई मोबाइल पे लग जाए, इस पे लग जाए, इधर उधर चले जाए, तो यानी वो भगवान को कोई महत्व दे रहा है और उन चीज़ों को महत्व दे रहा है और वो भगवान की एक हिसाब से इंसल्ट कर रहा है और कुछ नहीं है और अंदर भार हो रहा है। मैं बैठो चलेगा, लेकिन बैठा तो ध्यान से सुनो, ये पाखंड मत करो। दैट वर्शिप यील्ड्स रिजल्ट्स फार बियॉन्ड वन कुड एक्सपेक्ट। नाम संकीर्तन हाईएस्ट चीज प्रदान करता है आदमी के कल्पना के बाहर होती, इसको क्या मिलने वाला है। निज धाम में निजी सेवा, निकुंज की सेवा मिलेगी निज धाम में। वैदिक मंत्र में केवल वैकुंठ, वैकुंठ में रिटायर होते मंत्र, वो निज धाम में निजी सेवा आप सोच नहीं सकते क्या सेवा मिलेगी आपको। ये शुड बी परफॉर्म मेनली थ्रू नाम संकीर्तन, केवल नाम संकीर्तन से। देखो किस प्रकार इसको गोपाल मंत्र से नाम कीर्तन पे लेके आ रहे हैं। नाम कीर्तन यही तो हम बोलते हैं, लोगों को नाम पे विश्वास नहीं। वैदिक मंत्र दो, वैदिक मंत्र दो, तो उन्हें कहते ये कठिन है, कठिन होता नहीं, नाम सरल पे विश्वास होता नहीं, फिर क्या करना है बताओ। मैं कि जीव को कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो कहते हैं इश्वर परफॉर्म मिली तो नाम संकीर्तन अलोंग विद रेवरेंस एंड अफेक्शन फॉर दी मैनी प्रेसर श्री गोपाल पास टाइम। यानी आदर और प्रेम होना चाहिए भगवान की लीला स्थलियों में। जैसे आप काम्य वन जाओ, कितने स्थान है वहाँ पे, भोजन थाली, फिसलन पहाड़ी की जो उनकी लीला स्थली है, चरण पहाड़ी, कितनी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए। तो यानी इन पे आदर और प्रेम होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए। जिसके अंदर ब्रज जाने की लालसा उत्पन्न हुई और उसको विरह हो रहा है ब्रज न जाने का, वो समझो वही ब्रज धाम के कृपा का पात्र है, राधानी कृपा का पात्र है। जो ब्रज जाने के बाद भी ब्रज जाने की लालसा नहीं हो रही और उसको कोई रस नहीं मिला, तो उस पर बिल्कुल राधा रानी की कृपा नहीं हुई। ये सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ ठीक है, हुआ एक बार हो गए, क्या करना, क्या देखना, क्या। हाँ कोई वृद्ध स्थान है जो बुरा बहुत है तो नहीं जा सकता, अलग बात होती। वैसे उसका चिंतन, उसका तड़फन हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके समझो हमें धाम की कृपा मिली है। अगर चिंतन नहीं हो रहा, तड़फन नहीं हो रहा ब्रज के लिए, तो समझो ब्रज की कृपा नहीं मिली आपको अभी। कुछ ना कुछ अपारे अपराध जागृत हो रहे हैं जिसे कारण हमें नहीं मिल रहा है। नाम के बल पे हम अपराध कर रहे हैं। धाम में दोष दृष्टि करना सबसे बड़ा अपराध है। धाम में ये है वैसा है, इसने दर्शन कानों से कथा सुन के जाए, जाप करिए तो आपको हर जगह दिव्यता दिखाई देगी। कमेंट्री, हाउ देन हैड द ब्राह्मण ऑलरेडी मेड सो मच स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो फिर इस ब्राह्मण ने इतनी ज़्यादा उन्नति कैसे की थी। ही हैड डन सो बाय वर्शिपिंग श्री कृष्णा ऑल्दो इरेगुलरली। वो तो इसलिए कर रहा था कि कृष्ण की उपासना कर रहा था। ही हैड बीन वर्शिपिंग विदाउट द कंप्लीट फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग दैट कम्स फ्रॉम द स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्ण प्योर डिवोटी। वो तो क्या था कि उसको पूर्ण लाभ इससे नहीं मिल रहा था कि उसको विश्वास नहीं था। वो विश्वास कैसे उत्पन्न होता है और समझ भक्तों की कृपा से होती है। भक्तों की कृपा से ही विश्वास उत्पन्न होता है और भक्तों की कृपा से ही समझ आती है कृष्ण के विषय में। फॉर एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं। जैसे भगवान जब प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई और रात के 12 बजे, मैं छोटा सा 2 मिनट का एग्जाम्पल लो, ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत विस्तार है, और खूब बारिश हुई, बिजली चमकी, उस सब भगवान प्रकट हुए, तो आकाशवाणी क्यों हुई। आप पढ़ोगे, आप पढ़ के बस खत्म। लेकिन संत बताते हैं इसके पीछे आकाशवाणी क्यों हुई। जब कंस रथ हाँक रहा था तो आकाशवाणी हुई ना, तब आकाशवाणी क्यों हुई, क्योंकि तो भगवान नहीं चाहते, देवता नहीं चाहते थे कंस वैष्णव सेवा करे देव के वासुदेव की। अगर देव के वासु, उसको पुण्य मिलेगा, इसकी आयु बढ़ जाएगी। अगर हम आकाशवाणी करते हैं, भगवान ने तो इनके गर्भ छाना है,
तो ये उन्हें मारने का प्रयास करेगा। आपको भगवान के भक्तों को तो बचाने बचाना है, तो भगवान को शीघ्र आना पड़ेगा उनको बचाने के लिए, और उसको जब पीड़ा पहुंचाएगा इसके पुण्य शीघ्र खत्म हो जाएंगे, आप भगवान शिव तीव्र आ जाएंगे, इसलिए आकाशवाणी हुई। अब ये बात तो भागवत में नहीं लिखी हुई, लेकिन इसके जो अर्थ है हमारे संत विश्व चक्र ठाकुर या जीव गोस्वामी, इनके आप कमेंट्री पढ़ोगे तो उस पर बड़ी चीज विस्तार से लिखी गई है ऐसा क्यों हुआ। फिर आप पढ़ोगे कि भाई रात के समय आए 12 बजे और जब बिजली कम से कड़क रहती है, बारिश बहुत हो रही थी, क्यों बारिश हो रही थी बहुत जोर की, इसलिए बारिश होती है, आंधी तूफानी जोर के आ रही थी कि भाई खिड़की दरवाजे बन के कोई देखे नहीं कि वासुदेव गोकुल जा रहे हैं कृष्ण को लेके, जब बहुत जोर का आंधी तूफान में खिड़की दरवाजे बंद करता है वही क्या। और बिजली क्यों बाबा खड़क रही थी, क्योंकि मार्गदर्शन अंधेरे में कैसे दिखेगा कहाँ जाएगा, तो बिजली चमकी की खूब चमक रही थी ताकि उसका मार्गदर्शन मिले वो जाए, तो सबके अर्थ होते हैं। अब ये सब अर्थ तो वैष्णव की कृपा से समझ में आते हैं, हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन अर्थ तो संत की कृपा से मिलते हैं, इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्त की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, समझने के साधु संघ की जरूरत होती है इन सब अर्थों को समझने के लिए। केवल पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है, उससे भक्ति नहीं मिलती, यह भाव जो समझे तो उससे प्रेम आता है भक्ति आती है। इसे नाम जब तो कर रहा था लेकिन उसको निष्ठा नहीं थी, विश्वास को समझ नहीं थी, अभी संत मिले हैं तब उसको समझ आएगी कि मैं तो हर चीज कर रहा था, उन्नति कर रहा था लेकिन बगैर समझ के, इसे साधु संघ और कथा बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एनी कॉन्टेक्ट विद कृष्णा द सुप्रीम गोल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस अश्योर एब्सोल्यूट परफेक्शन। तो कृष्ण से कैसे भी संबंध हो जाए, जो जीवन का लक्ष्य है उद्देश्य है, इंसान को पूर्णता प्राप्त होती है, एंड सो ऑल्सो दस कॉन्टैक्ट विद हिज नेम, और उसके नाम से भी सेम चीज फायदा होता है। फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग हिज नेम इज द सुप्रीम मैटर फॉर अटेनिंग कृष्ण प्रेम। उनके नाम का श्रवण करना और कीर्तन करना ये प्रेम प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। Even offensive chanting of Krishna name, if continued long enough, will free one from disqualifications and even namabhas. तो कहते हैं इंसान कोई अपराध भी करे नाम जप करते हुए तो उसका सोल्यूशन क्या है, कंटिन्यूस नाम जप करो, वो नाम जप कंटिन्यूस करने से आप सारे अपराधों से मुक्त हो जाओगे। जैसे आपको आदत है कि दोस्त को मिलने के घंटा डिस्कस कर दो बात करने की, अगर आपका टारगेट 100 माला का दिया मैंने तो आप तो दे तो 64 भी नहीं कि 100 कैसे करोगे, उसके चक्कर में 100 करने के चक्कर में आपके कंटिन्यू जाप करोगे चाहे 50 तक पहुंचोगे उस पर रात हो जाएगी और आप सो जाओगे, आप वो दिन निंदा से बच गए, कोई गलत बात करने से बच गए, फिर नेक्स्ट डे भी वही करना है, तीसरे वही करना है, तो उससे क्या होगा आपका पूरा स्वभाव बदल जाता है, वो आदत ही छूट जाती है। इसलिए जितना हम जाप की संख्या बढ़ाते हैं उससे हमारे स्वभाव पूर्ण रूप से बदल जाता है, नहीं तो क्या है कम माला के हो तो क्या अपनी कोटा पूरी हो गई, आप करो बैठो इधर उधर जाओ नॉनसेंस वर्क करो, उससे क्या होता है माया पकड़ती है हमारा पतन करा लेती है। फिर लोग ये देखो जी माला जपता है उसके बावजूद एक गलत काम करता है, हाँ करता है लेकिन जिस तरीके से माला जपनी चाहिए वो तरीके, क्योंकि कीर्तन सदा हरी, ये महाप्रभु कहते हैं कीर्तन क्या हम कीर्तन सदा हरि करें नहीं करें, यही तो गलती करें, फिर हमने क्यों बोलते कि इतना ही करना इतनी माला करनी उसके आगे नहीं, जब समय में काम से निवृत्त हो माला लेके बैठ जाओ, कीर्तन सदा हरि, कभी भी हरि नाम हमारा रुकना नहीं चाहिए, यही तो हम गलतियां कर जाते हैं। और ये बात बहुत कम लोगों के दिमाग में घुसती है, समझ में आती है बात कि कीर्तन सदा हरि निरंतर हरि नाम रुकता नहीं चलता है जब तक नींद ना आए सो ना जाओ। तो कहते हैं क्या होता है, इवन ऑफेंसिव चैंटिंग ऑफ कृष्ण नेम इफ कंटिन्यूड लॉन्ग इनफ विल फ्री वन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। अयोग्य भी योग्य अगर दीर्घ काल तक कंटिन्यूस हरि नाम करते रहोगे तो, एंड इवन नाम अभास ऑफेंसिव चैंटिंग
without real attachment will quickly head to liberation. नाम आभास की अवस्था में भी आपको मोक्ष मिल जाता है जो कंटिन्यूस नाम जप करते हैं, भले अभी आपको अटैचमेंट पैदा नहीं, कम से कम नाम आभास तो हो रहा है कंटिन्यूस, उस पर आपको मोक्ष तो मिल जाता है. एंड द राइज ऑफ ट्रांसेंडेंटल अटैचमेंट एंड टेस्ट, और धीरे धीरे आपको अटैचमेंट और टेस्ट भी डेवलप होएगा. Thus, for spiritual upliftment, there is no better practice than worship of the divine lotus feet of Lord Madan Gopal. तो कहते हैं अपने आप को आध्यात्मिक तौर से ऊपर उठाने के लिए मदन गोपाल के चरणों के अलावा और कोई उपाय नहीं है. In this way, the Lord feet are described as Shriman, indicating that they fully possess all type of wealth and splendor. सब क्या चाहते हैं? भगवान के चरण ही तो चाहते हैं. अरे भाई, सारे संत भगवान के चरण कमल नहीं चाहते. कोई कहता है कि हस्त कमल, कोई कहता है मुझे मुख कमल चाहिए, हस्त कमल चाहिए, सब कहते चरण कमल चाहिए. इन चरणों में ही सब कुछ है. बाकी भगवान के मुख हस्त मुख बड़े सुंदर कमल की तरह, वो मुख कमल भी बोल सकते हैं, नैन कमल भी बोल सकते हैं, नैन जो है उनके कमल की तरह, हाथ भी कमल की तरह इतने सुंदर. लेकिन कोई बोलता है नैन कमल किसे की कृपा, कोई बोलता है मुख कमल की कृपा, कोई कहता है हस्त कमल की कृपा, सब कहते हैं चरण कमल की कृपा. चरण तो सब कुछ चरण में, वो चरण को ही प्राप्त करना है हमको. ये हाई चीज है चरणों को प्राप्त करना. समझ आ रही बात? दे हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ऑल दी हार्टफेल्ट डिजायर, उनमें क्षमता आपकी सारी इच्छा को पूर्ण करने की, एंड टू डिलाइट हिम इन वेज अनएंटिसिपेटेड बाय हिज कॉन्शियसनेस, और उसको आनंद प्रदान करने की जो वो उसका हृदय सोच भी नहीं सकता था. एंड इवन सब कॉन्शियस डिजायर्स, यानी जो उसके अंदर बात छुपी हुई इच्छाएं जो दिखते नहीं है, वो भी इच्छा पूर्ण कर देता है. ना हमें कई बार लगता है कि हमारे अंदर इच्छा निकंदर छिपी होती है, वो भी हरिनाम की कृपा से ठीक हो जाता है सब. बस हरिनाम करते जाओ यार, करते जाओ लगातार. क्या होएगा, कैसे होएगा, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी होगा कृपा से होना हरिनाम की. और कलयुग का एक ही धर्म है नाम. कुछ एक घंटा डेढ़ घंटा जरूर कोई लीला पढ़ो, भगवान की रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कृष्ण लीला पढ़ो, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ लो जो बहुत आप सबको प्रिय लगती है. घर संहिता पढ़ो, महाप्रभु की लीला, एक डेढ़ घंटा पर्याप्त है मुख्य. बाकी क्योंकि लीला पढ़नी बहुत जरूरी है चिंतन के लिए, और बाकी समय नाम कीर्तन. ज़्यादा उलझाओ मत रीडिंग में, डेढ़ घंटा बहुत हो गया रीडिंग का, बाकी पूरा समय हरिनाम में हमारा जाना चाहिए. क्योंकि बहुत ज्ञान से कोई फायदा नहीं है, हरिनाम से सब लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी. जो चाहे लिखी या नहीं लिखी, वो भी हरिनाम से प्राप्त हो जाएंगे. सब कुछ हरिनाम के अंदर है, पूरा दशम स्कंद है, पूरी भागवत है, सारी लीला है. जो नहीं भी लिखी वो भी इसके अंदर ही हरि नाम के अंदर है, क्योंकि बीज है. द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ देयर वर्शिप इज संकीर्तन, चैंटिंग अ लॉर्ड इन मेलोडियस सॉन्ग द लॉर्ड्स नेम्स लाइक कृष्ण, गोविंद एंड गोपाल. तो हम गाते हैं ना कीर्तन, महामंत्र का कीर्तन करते हैं, अच्छे ध्वन में करते हैं. और भी यशोवती नंदन ब्रजनागर भगवान के कितने नाम हैं, वो भी गाते हैं. और कहते हैं गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन यशोवती नंदन नहीं, और कौन सा भजन है, हाँ जय राधा माधव, ये तो भजन गाते ही हम लोग. श्री परीक्षित फादर सजेस्ट दैट द अफेक्ट्स ऑफ हरिनाम संकीर्तन आर इनहेंस्ड बाय विजिटिंग द सेक्रेड प्लेसेस इन व्रज भूमि. तो क्या कहते हैं परीक्षित, हरिनाम संकीर्तन से उसका प्रभाव कब दिखता है, जब हम व्रज भूमि में जाते हैं. वह कृष्ण एंजॉयड पास्टन विद द गोप्स एंड गोपी, जब वाने लीला की तब गोप गोपियों से, वो जाके एक अलग फीलिंग होती है, एक दिव्य आनंद जो मैंने पढ़ा था सुना नाम जब से, आप उसमें एक
दिव्य रस की अनुभूति करते हो। जो लोग बगैर कथा नाम जप के जाते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलो हाँ हो गया हो गया, लेकिन जो सुन के जो जाप करके कथा सुन के जाते उनके एक दिव्य रस की अनुभूति होती वहाँ पे। हाँ फिर वो स्थान को बार बार देखना चाहते हैं, फिर वो स्थान से एक पल भी दूर नहीं होना चाहते हैं। एज मच एज अदर ऑब्लिगेशन इन डिवोशनल सर्विस अलाउ, वैष्णव शुड वंडर अबाउट दिस प्लेस एंड सी द विद देयर ओन आई। जितना हो सकता है वैष्णवों को ब्रज धाम में जाना चाहिए, ब्रज धाम की परिक्रमा करनी चाहिए, जितना हो सके अपनी आंखों से देख लो। इफ दे डू दिस दे विल लव एंड रिस्पेक्ट द नाम भजन वेर बेयर फ्रूट, अगर वो प्रेम के साथ करते हैं तो नाम भजन फलीभूत होगा। कथा कल कंटिन्यू करते हैं। वंशा कल्पत्रु भैश्य कृपा सिंधु भैच पतितानां पावने भय वैष्णवयो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।